जब तक रहेगी दहेज प्रथा, बेटी रहेगी दुखी सदा। बाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज। दहेज लेना मत समझो शान, ने ली है कई मासूमों की जान। जी हाँ, दहेज प्रथा के खिलाफ ऐसे कई स्लोगन समाज के बीच प्रासंगिक हैं। सरकार दहेज के कुप्रथा खत्म करने के लिए गंभीर जरूर है। अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, मगर समाज में मौजूद दहेज के लोभी आज भी पैसों के खातिर शादी होने से पहले ही तोड़ देते हैं। अगर किसी तरह शादी हो भी जाए तो फिर शादी के बाद दुल्हन सारी उम्र दहेज का दंश झेलती है। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां पिपलौती गांव के एक किसान ने अपनी बेटी का रिश्ता हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के शिमथला में किया। बेटी की शादी को लेकर परिवार में खुशी का माहौल था। शादी की तारीख फिक्स हो गई थी, शादी के कार्ड छप चुके थे, 20 नवंबर को बारात आनी थी, मगर अचानक दूल्हे के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे के घर वालों ने दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने की वजह से शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के भाई का आरोप है कि पहले किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की गई थी, मगर शादी के ठीक 5 दिन पहले ही दूल्हे के घर से फोन आया और एक कार और 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। दुल्हन के परिवार वाले दहेज की डिमांड पूरी करने में असमर्थ थे, इसी के चलते दूल्हे पक्ष ने बारात लाने से इनकार कर दिया। मुनीश कहाँ रहते हो? पिपलौती कला। आप जो थाने आए, क्या मामला है? जी थाने में ही मामला है हमारा। हमने अपनी बहन की शादी तय करी थी सिमथला गाँव जी। लड़के वालों ने अब कल 4 दिन बारात करे हैं। उन्होंने मांग करी है 2 लाख रुपए कैश, 4 पहियों की गाड़ी और नानगोश की रोटी। तो ये डिमांड पहले करी है, अभी डिमांड करी है? अभी डिमांड करी है, पहले से उनकी कोई डिमांड नहीं थी किसी की भी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, बस जैसे भी कानून चाहे कानून कार्यवाही होनी चाहिए और इसमें जो सही जांच होनी चाहिए। ये शादी इसलिए टूट गई क्योंकि एक बेटे का परिवार दहेज देने में असमर्थ था। बता दें कि सरकार ने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज लेना या फिर देना गुनाह माना गया है। इसके लिए 5 साल की कैद और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बहरहाल अब इस मामले को लेकर दुल्हन पक्ष के लोग थाने में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं अब पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।